हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के एडग्रेट अभ्यास पुस्तक के पार्ट 8 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों की ओर। पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है, तो यहाँ पर स्वामी हरिदास को कहा गया है। 2 है पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं, तो कलक कहते हैं। 3 है दीपक राग का संबंध किससे है, तो ये आग से है। प्रश्न क्रमांक 4 है दिल बाग बाग हो गया वाक्य है, तो ये मुहावरा है। 5 है तुलसीदास का दूसरा क्या नाम है, तो ये तुलसी पत्र है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान है। 6 में आएगा भारत, 7 में आएगा मधुर, 8 में आएगा रविंद्र, 9 में आएगा लाघव और 10 में आएगा पहला। प्रश्न क्रमांक 11 है मेघ मल्हार किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। प्रश्न क्रमांक 12 है रूपा ये हैं तानसेन तुम्हारे गुरु भाई वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, तो उत्तर है वाक्य में विस्मयादिबोधक विराम चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह है। प्रश्न क्रमांक 13 है स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया, तो इसका उत्तर है अकबर ने तानसेन को गलत गाने के लिए कहा ताकि स्वामी हरिदास सही संगीत गा सकें। प्रश्न क्रमांक 14 उप उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए, तो ये हो गया उपहार, उपस्थित, उपकरण, उपलब्ध। प्रश्न क्रमांक 15 है पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर है क्योंकि दीपक राग शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और राग मेघ मल्हार प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए यह गाना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 16 है रेखा शीला रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों मैंने कॉमा का प्रयोग करके इस वाक्य को सही तरीके से लिख दिया है। प्रश्न क्रमांक 17 है तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा है, तो इसको उत्तर है तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी कहा क्योंकि उनके गुरु तानसेन के मन की सभी बातें जान लेते थे। प्रश्न क्रमांक 18 है स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है, तो इसको उत्तर है तानसेन अकबर को खुश करने के लिए गाते थे जबकि स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गाते थे। प्रश्न क्रमांक 19 है सम्राट अकबर के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए, तो ये तानसेन के बारे में लिखा है बच्चों। तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था, उनका जन्म 1506 को ग्वालियर जिले में हुआ था। 3 तानसेन ने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास से ली थी। 4 तानसेन को भारत का संगीत सम्राट कहा जाता है। 5 तानसेन का विवाह प्रेम कुमारी नामक लड़की से हुआ था। प्रश्न क्रमांक 20 है भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए, तो पहला है भारत की कला और संस्कृति बहुत विविध है, दूसरा भारत की संस्कृति शिष्टाचार है, 3 भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का देश है, 4 भारत एकता का देश है और 5 हमारा देश भारत एक अनूठी संस्कृति कला और परंपराओं का देश है। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।